हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त रवन गौतम। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। जैसे कि गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सीजे आ चुका था, सीजे इज बैक। सीजे को अपनी कुछ कार चाहिए थी, उसने उसके लिए किडनैप किया था लमार और टॉमी वर्सेटी को। गाइस, टॉमी वर्सेटी को किडनैप किया हमें प्रॉब्लम नहीं थी, पर लमार को किया, उस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए हमने जाके उसके लिए काम किया, हमने ग्रूव स्ट्रीट के जो कि अभी बलास गैंग का एरिया था, हमने वहां पे सारे बलास गैंग मेंबर्स को मारा छुड़ाने के लिए, लमार को छुड़ाने के लिए। हमने गाइस सीजे की कार वापस लाके उसे दी, जो कि उसने हमें गिफ्ट में दे दी। गाइस, तब देखते हैं गेम प्ले में आगे होता है क्या। फटाफट हार्ड एंड फास्ट, इसलिए मैं आपको टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए फटाफट कपड़े चेंज करता हूँ और हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं करना है क्या। A few moments later. जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रैंकलिन ने चेंज कर लिया है, हम फटाफट निकलते हैं गाइस। आज बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बगैर मैं आज इंट्रो भी छोटा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट हुए। गाइस, हमने कार तो चोरी कर लिए थे अपने लिए, और उसके लिए गाइस मैं आपको दिखा नहीं पाया वीडियो में, पर मैंने लेस्टर से और बैनी के साथ मिलके एक नया लॉक सिस्टम लाया हूँ कार का, जिससे हम किसी भी कार में लॉक दबाएंगे तो वो कार लॉक हो जाएगी हमारे लिए, अनलॉक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी। चलो गाइस, हम अपनी नई कार निकालते हैं और थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं गाइस। चलो तो गाइस, सबसे पहले आज हम निकालते हैं अपनी न्यू कार, और न्यू कार से थोड़ा घूम के आते हैं। ये रे गाइस, न्यू कार जैसे आप देख सकते हो, नंबर प्लेट हमने इसके चेंज करा लिया, अपना नाम डाल लिया इंक। चलो गाइस, ये देखो गाइस, लॉक सिस्टम आ गया। ओह शिट गाइस, देखो कार लॉक है, ये हुई अनलॉक, ये अब हम लेके जा सकते हैं गाइस। इससे हमारी जो मतलब महंगी महंगी कारें ना एक्सपेंसिव चोरी ली होंगी। ओके गाइस, तो साउंड काफ़ी अच्छा आ चुका है हमारी। ओह नहीं नहीं नहीं, नई कार है, इसका मतलब पुराने नहीं ठोकना है। और गाइस एक बार फिर से वही मजे लेते हैं, ये चलो। तो गाइस, आज सबसे पहले हम चलते हैं गाइस वहाँ पे, जहाँ पे हमने बहुत लड़ाई झगड़ा किए थे बलास गैंग के एरिया में, जो कि है पुराना ग्रूव स्ट्रीट। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हमने बलास गैंग के काफ़ी मेंबर्स को मार दिए थे वहाँ पे। मेरे ख्याल से सीजे ने अपने तो आदमी वहाँ भेज ही दिया होगा ग्रूव स्ट्रीट वाले, फिर भी जाके हम चेक जरूर करते हैं कि ग्रूव स्ट्रीट के वहाँ पे मेंबर आ गए हैं या नहीं आ गए। हम हार्ड एंड फास्ट निकलते हैं बाहर और देखते हैं गाइस कि वहाँ पे ग्रूव स्ट्रीट के मेंबर्स आए हैं या नहीं आए हैं। चलो गाइस, यहाँ से टर्न लिया जाए और फटाफट चले जाए ग्रूव स्ट्रीट। चलो हार्ड एंड फास्ट, अपनी कार का ट्रायल भी हो जाएगा गाइस, और ग्रूव स्ट्रीट का थोड़ा एक चक्कर भी मार लेते पहले हम, कि वहाँ पर अभी बलास गैंग वाले। ओ शिट 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 यार, ये नई गाड़ी मत खोके यार, कि अभी वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो ग्रूव स्ट्रीट के आ गए या फिर पुराने बलास गैंग वाले से। गाइस, वैसे तो जहाँ तक उम्मीद है कि चीज़ जितना दिमागदार है, उसने हमें कार गिफ्ट की, अपना काम करवाया है, जब वो इतना पावरफुल आदमी तब तो उसके पूरे आदमी गाइस वहाँ पहुँच चुके होंगे। फिर भी एक बार गाइस देखने की तो बनती है। ए एड्रे तेरी तो, राइट से चल, आर्मर मत ठोक गाइस। हमने बिल्कुल कर इसमें आर्मर लगवा लिए थे गाइस लास्ट टाइम में जब हमने इसको मॉडिफाई कराया था। तो गाइस, अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा इससे प्रीवियसली वाला, प्लीज़ जाइए और ज़रूर जाके देखिए वाला एपिसोड, काफ़ी मज़ा आएगा, उसमें आपको सीजे मिलेगा। वो एपिसोड गाइस मुझे भी पर्सनली बहुत फेवरेट है मेरा वीडियो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब देखिए गाइस। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके गाइस उतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि गाइस आप लोग के प्यार से मैं इतना आगे बढ़ूंगा। गाइस, जितना भी हूँ अभी आप लोग की वजह से हूँ, आगे भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। चलो गाइस, तो लगभग हम ग्रूव स्ट्रीट के पास पहुँच ही चुके हैं एकदम, पहुँचते फटाफट ग्रूव स्ट्रीट और चेक करते कि वहाँ पे किस तरह चल रहा है। हट रहे अरे यार गाइस, ये ना कार के भी थोड़ा सा मेरे को हैंडलिंग जमाने में टाइम लगेगा, क्योंकि कार थोड़ी सी गाइस मसल कार है, इसकी हैंडलिंग वैंडलिंग में थोड़ी सी हार्ड होती है। वहाँ पर गाइस कार बहुत पावरफुल होती है, हम अटैक्स अटैक्स में जाते रहते हैं वहाँ पर, हमारे बहुत काम आए कि गाइस हम फाइनली देख सकते हो आप, ये ग्रूव स्ट्रीट वाले की कार है गाइस ये, और ये वही आदमी गाइस डीजे के। गाइस थोड़ा एंटर करते हैं, हमें समझ में आने लगे, देखो गाइस साइकिल साइकिल आ गई है एकदम GTA San Andreas वाली। ये देखो गाइस, ग्रीन कलर का हुडी पहन के एक आदमी घूम रहा है। यानी गाइस डीजे ने टेक ओवर कर लिया गाइस ग्रूव स्ट्रीट में। अब गाइस पता नहीं हमारे लिए अच्छा या बुरा है, फर्स्ट टाइम तो उसने हमारे एक दोस्त को और एक दुश्मन को किडनैप ही किया था, कार गिफ्ट में किया, मतलब ये नहीं कि दोस्त बन गया है। और भी लोग देखते हैं गाइस एकदम, फाइनली पूरा ग्रूव स्ट्रीट चेक करते हैं। वैसे तो गाइस देख रहे हो, लड़कियां भी ग्रूव स्ट्रीट की आ चुकी हैं यहाँ पे गाइस। यहाँ अंदर गाइस अंदर भी मुझे ग्रूव स्ट्रीट के लोग ही दिखाई दे रहे हैं गाइस। अगर आप भी ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे, ये देखिए गाइस सारे ग्रूव स्ट्रीट के मेंबर्स है गाइस, ग्रीन हुडी पहन के। देखो गाइस ये शुभ गाइस गेट वेट खोल के आ रहा है, मैं निकलता हूँ, मेरे को लग रहा है मेरा कोई लोचा ना हो जाए यहाँ पे। गाइस यानी एरिया तो आप देख सकते हो कि
टीजे ने पूरा सॉरी 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 टेक ओवर कर चुका है। हाँ गाइस फाइनली ब्रूस स्ट्रेट है वापस टीजे का। मुझे लगता है गाइस वो ब्रूस स्ट्रेट को काफी मॉडिफाई करेगा अपने हिसाब से जेल से आने से पहले। चलो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं और घूमने चलते हैं। कहाँ चले गाइस? हम अपने दोस्त माइकल से मिलते हैं गाइस और उसको भी अपने नई कार का टेस्ट ड्राइव देते हैं। चलो फटाफट चलते हैं हम माइकल के पास, माइकल के घर चलते हैं, उससे मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है गाइस। चलो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं माइकल के घर के एरिया के एकदम पास आ चुके हैं। माइकल के घर चलते हैं, उसको फोन वोन करके बुलाते हैं और देखते हैं गाइस, उसको भी घुमाते हैं अपने साथ नई कार के थोड़े तो मजे दिलाते हैं, क्योंकि काफी अच्छी कार भी सिर्फ माइकल के पास ही थी गाइस। हमारे पास तो एकदम वो पुरानी सी लोकल सी कार थी। आज माइकल को भी अपनी कार हम दिखाई देते हैं गाइस। चलो माइकल के घर चलते हैं। डोर ओपन हो गया गाइस, देख रहे हो माइकल की कार भी ऑलरेडी, माइकल की कार नहीं है गाइस ये, तो गार्डनर भी खड़ा है गाइस। ये कार तो अच्छा, ये अमेंडा की कार है गाइस, माइकल की नहीं है, अमेंडा की कार है ये, देखिए उस पर लिखा हुआ है। हाँ ये अमेंडा की कार है। चलो गाइस तुम अपनी कार इधर पार्क करते हो और माइकल को कॉल करके पूछते हैं कि वो कहाँ है गाइस। चलो माइकल को फटाफट कॉल किया जाए और उससे पूछा जाए कि वो घर पे है या नहीं, और घर पे होगा तो गाइस उससे मिला जाए। ओके गाइस जैसा कि माइकल बोल रहा है, माइकल घर पे ही है, वो बोल रहा है कि वो गेट से बाहर आ रहा है जब तक हम कार टर्न करके आओ। तो चलो गाइस हम कार टर्न करते हैं और चलते हैं माइकल के पास। चलो गाइस तो हम कार को रिवर्स करते हैं बगैर ठोके ओके, और देखते हैं माइकल घर के बाहर आ गया या नहीं आ गया। अरे यार ये एक तो अमेंडा की कार बीच में, उसको भी स्क्रैच नहीं मारना यार, अपने दोस्त की वाइफ की कार है। और ये गार्डनर ये भी नहीं मरना चाहिए, नहीं तो बेचारा उसका एक सर्वेंट कम हो जाएगा गाइस। तो गाइस अब हमने लगभग एकदम गाइस काफी वो खड़ा है गाइस, माइकल रिवर्स करते हैं, थोड़ा उसको जलाते हैं और उसको अपने साथ लेके चलते हैं गाइस घुमाने के लिए कहीं। चलो गाइस देख सकते हो गाइस माइकल आ गया गाड़ी में बैठने के लिए। चलो माइकल अब आप तो गाइस एक तो मैंने गाड़ी की गिफ्ट ऐसी मिली है जो सिर्फ टू सीटर है, तो कोई भी एक से मेरे साथ घूम सकता है और वो पीछे गाइस बॉस टाइप नहीं बैठ पाएगा, जैसे हर कोई हमेशा बॉस बन के हमारा सेठ बन के पीछे बैठ जाता है, वैसे कोई नहीं बैठ पाएगा गाइस। चलो गाइस तो माइकल को अपनी कार हम दिखाते हैं और माइकल काफ़ी चिड़ा हुआ है गाइस, क्योंकि हमारे पास अभी न्यू कार है बहुत अच्छी कार, वो भी एक डिफरेंट कार पीछे से। तो माइकल थोड़ा तो गाइस उसका मुँह लटका हुआ है कि उसके पास इतनी अच्छी कार है और उसके पास नहीं है। क्या कोई नहीं गाइस, माइकल तेरे को भी मिल जाएगी भाई कार, कभी ना कभी हम ही दिलवा देंगे कोई ना कोई कार भाई हरी भरी के। ये तेरे को कोई कार पुरानी हो लूटनी हो तो बता दो भाई। ओके गाइस तो गाइस माइकल को कॉल आया है गाइस लेस्टर का, और लेस्टर का कहना है माइकल से उसने बताया है कि गाइस यहाँ पे आया है आज मिस्टर बीस। गाइस मिस्टर बीस को तो आप जानते होंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है गाइस वो, और बहुत रईस यूट्यूबर है गाइस। मिलने आए तो बनता है गाइस एक बार उससे, गाइस हम लोकेशन पता करते हैं वो कहाँ है और देखते हैं कि क्या चल रहा है, उससे मिलने मिलेगा कि नहीं। सिक्योरिटी तो ज़्यादा हाई नहीं है, हम एक बार जाके चेक कर करते हैं गाइस। चलो अब हम पता करते हैं कि ये आया कहाँ हुआ है गाइस मिस्टर बीस्ट। चलो तो फटाफट पता करते हैं गाइस कहाँ पे है मिस्टर बीस्ट। चलो गाइस जैसा कि माइकल ने पता कर लिया लेस्टर को कॉल करके, मिस्टर बीस्ट गाइस कोई मीटिंग के लिए या फिर अपना कोई नया यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए गाइस आया हुआ है डायमंड कसीनो में। तो भाई डायमंड कसीनो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम जाके एक बार तो चेक। अरे भैया ये लॉस सेंटर्स वाले इधर कहाँ घूम रहे, सॉरी ब्रूस स्ट्रीट वाले गाइस इधर कहाँ घूम रहे, लॉस सेंटर्स से पूरे शहर ही है गाइस। मेरा मानना ये है कि बीस्ट मिस्टर बीस्ट यहाँ क्या करने आया गाइस, कोई अपने यूट्यूब का वीडियो बनाना है, उसमें हमको ले ले गाइस काफ़ी फेमस हो जाएंगे, और या फिर गाइस ये कोई मीटिंग वीटिंग में आया है गाइस। वैसे तो हम आज फ्री हैं, टॉमी वर्सेटी बेचारा भी रिसेंटली किताब हो गया छोटा है सीधे से, उसी ने हमें कार गिफ्ट कर दी, तो टॉमी वर्सेटी अभी थोड़ा सा सदमे में, हमें कोई काम वाम नहीं दे रहा है, कोई हाइस नहीं दे रहा है अपने लिए, नौकरों की तरह कोई काम कर रहे नहीं बोल रहे, तो हम तो फ्री हैं गाइस फ्री है। तो मेरा मानना शिट बच्चे बच्चे अंकल देख के चलो ना अंकल, अभी गिर पड़ जाते मर जाते हमारे ऊपर नाम आ जाता जबरदस्ती का, इंश्योरेंस है कि नहीं पता नहीं। तो गाइस आज हम अगर फ्री हैं और हमारे शहर में जब मिस्टर बीस आए तो मिलने की तो बनती है गाइस। सिक्योरिटी वहाँ पे ज़्यादा टाइट है कि हाई है लस्टर में बोला मुझे पता नहीं है, पर गाइस जहाँ तक मैं जानता हूँ मिस्टर बीस को अगर वो आया तो उसकी सिक्योरिटी तो उसके लिए गाइस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होगी, क्योंकि मिस्टर बीस कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है गाइस। आप एक बार गूगल सर्च करके देखो मिस्टर बीस क्या है गाइस, तब आपको पता चलेगा गाइस मिस्टर बीस क्या है। मैं तो जानता हूँ गाइस, और मैं पर्सनली खुद इसे फॉलो करता हूँ, मैं सब्सक्राइबर हूँ उसका गाइस, मैं उसके वीडियोस को देखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते हैं उसके वीडियोस गाइस, इसलिए मैं देखता हूँ गाइस। तो एकदम बातों बातों में एकदम डायमंड कैसीनो के पास में पहुँच चुके गाइस। ये देखिए गाइस यहाँ से राइट टर्न, ओ सॉरी बची की नहीं,
नहीं नहीं बची बची बची, अरे सॉरी सॉरी, अरे 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 जानबूझ के थोड़ी ना ठोके। अरे गाड़ी से तो पुलिस वाले के पास जा रही। अरे भागो भागो भागो, पुलिस कार खड़ी है, मिस्टर बीस के चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। गाइस यही है, देखिए आप देख सकते हैं डायमंड कैसीनो का बोर्ड, यहीं से गाइस हमें अंदर जाना है। पहले हम साइड में पार्क करते हैं गाइस, कहीं कहीं साइड में पार्क करना मेरे भाई, नीचे नहीं डालना है, नई नई गाड़ी अपने पास। गाइस पहले तो हम यहीं पार्क करते हैं डायमंड कैसीनो के बोर्ड के पास, और एक बार वेस्टर को बोलते हैं कुछ सीसीटीवी कैमरा से हैक वैक करके चेक करके मिस्टर बीस वहाँ पे अभी है या नहीं, ताकि हमारा टाइम पास ना हो जाए गाइस। चलो तो लेस्टर को कॉल करके बोल देते फटाफट, गाइस चेक करके बता यार लेस्टर इस काम पे आ हमारे। ओके गाइस तो लेस्टर बोल रहा है, वो बता रहा है सिर्फ 2 मिनट में, जब तक हम यहाँ वेट करते हैं गाइस ऊपर चलते हैं अंदर। चलो गाइस जैसे कि लेस्टर ने बताया कि मिस्टर बीस यहीं है, और उसने सिक्योरिटी कैमरे से चेक किया, सिक्योरिटी तगड़ी है और वो है यहीं उसकी कार सार। गाइस सिक्योरिटी तो टाइट है, हम पूछ तो सकते हैं गाइस, हम कोई मार्केट फेट ना करने आए। नहीं अभी कार वार लॉक करने की जरूरत नहीं है, अभी आगे चलते गाइस। गाइस देख रहे हो FIB रेंजर मरीन क्वाड सब यहाँ है। अरे हाय FIB वाले सर, मिस्टर बीस है क्या यहाँ पे? ओके गाइस तो काफ़ी गुस्से में है वो, पर वो बोल रहा है कि मिस्टर बीस है यहीं पर है, और वो आगे वाला जो डोर है, एक और एंट्री है वहाँ पे खड़ा है गाइस, और अभी उसकी कार्स आई हैं। तो बोल रहा है कि अगर आपको देखना है दूर से तो आप वहाँ से देख सकते हो, आपको अंदर जाने तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पूरा होटल उसने बुक करके रखा है। फिर गाइस पूरा मिस्टर बीस गाइस, और जैसे कि आप कार्स देख सकते हो, निसान टेस्ला लैम्बोर्गिनी गाइस, ये सब तो मिस्टर बीस की कार है गाइस, अपन दूर से ही देख। गाइस वो खड़े पीछे मिस्टर बीस। गाइस थोड़ा दूर से जाके मैं सोचता हूँ कि अपन स्नाइपिंग वगैरह से हो सकता है कि हम देख सकते हैं यहाँ से छुप के झाड़ी वाड़ी से कि वो मिस्टर बीस ही है या नहीं। चलो गाइस हम ट्राई करते हैं यहाँ दूर से थोड़ा छुप के देखते हैं गाइस, ताकि उनको पता ना चले स्नाइपर से कि मिस्टर बीस यहाँ है या नहीं। गाइस सिक्योरिटी तो तगड़ी है, यहीं कहीं तो खड़ा था गाइस मिस्टर बीस। ओके गाइस उसका ना व्यू थोड़ा सा ये सिक्योरिटी गार्ड के कारण ब्लॉक हो रहा है, मैं थोड़ा सा उधर जाके देखूँ कि गाइस गाइस बस मैं ना दिख जाऊँ, थोड़ा छुप के देखता हूँ गाइस, क्योंकि अगर ये पुलिस वाले ने देखे ना यहाँ थोड़ा गैप से देख के देखूँ तो दिख रहा है मिस्टर बीस। गाइस ये देख सकते हो, ये रहा गाइस फाइनली मिस्टर बीस्ट है लॉस सेंटर्स में। गाइस ये रहा मिस्टर बीस्ट, गाइस वो बात कर रहे हैं सिक्योरिटी से और वो अंदर जाएगा गाइस अब। चलो गाइस फटाफट मिलने तो हमें यहाँ मिलेगा नहीं, कुछ और जुगाड़ बताते हैं गाइस। चलो आओ हाइड एंड पास, हाइड एंड पास, चल माइकल जल्दी चल जल्दी चल। अरे जल्दी बैठना माइकल जल्दी आ, टाइम वेस्ट मत कर। ये देख से टाइप चल रहे थे, मिलना है कि नहीं मिलना है मिस्टर बीस्ट से, बैठ यहाँ पे। चलो गाइस तुम फटाफट ट्राई करते हैं मिस्टर बीस्ट अंदर जाए, उससे पहले हम एक बार और देख ले गाइस मिस्टर बीस्ट को, वो रहा गाइस मिस्टर बीस्ट। चलो हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से, देखते गाइस से मिलने का क्या लोचा है, ये यहाँ आया है। गाइस मैं फिर से लेस्टर को कॉल करके बोलता हूँ कि वो पता तो करे एक्चुअली कि मिस्टर बीस्ट यहाँ आया क्यों है गाइस, क्योंकि मिलने तो यहाँ मिल नहीं रहा है, काफ़ी सिक्योरिटी तगड़ी है, उसने बोला था नहीं होगी इतनी, पर फिर भी। ओके गाइस तो लेस्टर का कहना है कि मिस्टर बीस्ट यहाँ पे आया है, पर जनरली मिस्टर बीस्ट के पास 4-5 कारों से आता है, जिसमें से गाइस एक कार उसको मिसिंग है, कोई लैम्बोर्गिनी गलाडो जो कि वहाँ पे नहीं है, वो बता रहा है लेस्टर। और गाइस वो कार बनने गई है यहाँ पे रिपेयर होने, मॉडिफाई होने पैनीस गैराज। तो गाइस पैनी से अगर हम बात करें या पैनी के गैराज जाके देखें गाइस, तो हमें वो कार जरूर मिल सकती है, ट्राई तो करना ही पड़ेगा गाइस। वहाँ पे तो ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि लेस्टर ने बताया कि उसे चुपचाप से वहाँ कार पहुँचाया है, और पैनी को बोला था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो मेरी कार वहाँ से बनवा के डिलीवर कर दो। गाइस हम वहाँ चलते तो है, अब देखते गाइस क्या कार है, कौन सी कार आई है मिस्टर बीस के लैम्बोर्गिनी गलाडो। चलो गाइस हार्ड एंड फास्ट पहुँचते हैं वहाँ पे पैनीस गैराज। अरे यार गाइस ये ट्रैफिक के मारे तो आदमी और परेशान है, पर कोई है। अरे 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 इनको जाने दे भाई, पैनीस गैराज जल्दी जाना हमको वहाँ पे भाई। चलो गाइस तो पैनीस गैराज चलते, मेरे ख्याल से हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो भी आ जाना चाहिए गाइस। हाँ ओके 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 गाइस मिल गया हमको पैनीस गैराज, हमने लगा लिया अपने गूगल मैप्स में। अब पहुंचते गाइस बेनिस गैराज, और वहां पे गाइस अबे बे 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 शिट, अरे हटना यार, तो यार मिस्टर बीस की तारीफ, अरे यार देख रहे हो, अरे भाई तेरे को थोड़ी ना कुछ ठोके हमने, जो तो चढ़ रहा है आ गया से उछल उछल ही देंगे तो भी कार के नीचे। गाइस बेनिस गैराज चलते हैं, अब देखते तो है मिस्टर बीस की कार गाइस, मिस्टर बीस की कार हम देखते हैं। एक मिनट गाइस, माइकल ना कुछ अब पागलों की तरह बात कर रहा है, मैं बताता हूँ आपको गाइस, ये माइकल बोल रहा है कि मिस्टर बीस्ट की जो कार है अगर वो इसे पसंद आई, उसे वही कार चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इससे बोला था ना गाइस अभी एपिसोड में कि हम तेरे लिए कार बार चोरी कर देंगे या खरीदवा देंगे। मेरे भाई माइकल खरीदने बोल दे, सेम कार हम तेरे लिए खरीद देते हैं,
बोल रहे हैं कि हमको तुमने सेलिब्रिटी की कार नहीं गाइस नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे मिस्टर बीस्ट की कार चाहिए। अगर माइकल मिस्टर बीस्ट की अगर कार हम चोरी करेंगे और उसके बाद पता चल गया गाइस कितना बड़ा लोचा हो जाएगा, पुलिस वाले पूरे हमारे पीछे पड़ जाएंगे गाइस, एफआई भी, रेंजर क्वाट वहाँ पे सब कोई थे गाइस। ये माइकल समझ ही नहीं रहा कि वो सारे लोग, अरे हटना यार, सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे गाइस। को हमारे साथ दिक्कत ये गाइस टीम तो बहुत बुरा होने वाला है गाइस, पर क्या कर सकते हैं, माइकल जीत पे अड़ा है फिलहाल। तो गाइस हम बेनिस गैराज के आसपास तो आ गए, यहीं कहीं बेनिस गैराज है गाइस, बेनिस गैराज का आगे से दिखा रहा है। मेरे ख्याल से गाइस हमें यहीं से चलना चाहिए, नहीं गाइस पीछे ही है बेनिस गैराज का एरिया, यहाँ से नहीं है गाइस, हम पीछे से ही चलते गाइस। यहाँ से देख रहे हैं वहाँ पे भी गाइस नहीं तगड़ी अगली सिक्योरिटी क्यों रख ना हो, पहले हम यहीं पर रुक के देखे क्या गाइस, इधर तो कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, नहीं है गाइस सिक्योरिटी, चलते हैं आगे। अरे गाइस तो अंदर तो चलते हैं, देखते हैं बेनी के यहाँ पे होगी गाइस पक्का, यहाँ पे कार मॉडिफाइड रिपेयर होने आई है। तो बेनी से तो कोई गैराज ही नहीं है गाइस, ये रहा बेनी का गैराज गाइस। हम अपनी कार थोड़ा साइड में लगा देते हैं एक बार ताकि हमारी कार को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो और गाइस अब मैं लॉक कर दूंगा क्योंकि मैं अनलॉक नहीं रखूँगा अपनी कार, बिल्कुल चोरी रहनी चाहिए। चलो गाइस हम फटाफट चलते बेनिस गैराज के अंदर और देखते गाइस सिक्योरिटी पे यहाँ कोई नहीं गाइस। व्हाट द गाइस, ये कार से फिर भी ठीक है, पर मैं 100% श्योर हूँ कि मिस्टर बीस की गलाडो यही है गाइस, यही कार है गाइस, 101% यही कार है। मैंने माइकल को बाहर ही रुकने बोला क्योंकि गाइस वो अंदर आएगा तो बहुत एक्साइटेड हो जाएगा कार को लेके। अब मैं चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो, फिर मैं बेनी से बात करके देखता हूँ, पूछता हूँ यही कार है कि नहीं। अरे बेनी हाउ आर यू, ये मिस्टर बीस की कार है क्या बेनी? हाँ मिस्टर बीस की है भाई। माइकल ये कार बहुत मांग ही रहा है, जिद कर रहा है, उसे चाहिए, प्लीज़ हम इसको यहाँ से चोरी करके ले जा लेके गाइस, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं गाइस वो मना कर रहा है, वो बोल रहा है कि तुम ले जा तो लोगे पर सबको पता है कि कार इसके पास आई है मॉडिफाई होने रिपेयर होने, गाइस इसका क्या होगा। गाइस कहना तो बिल्कुल सही है, हम तो चोरी करके भाग जाएंगे पर बहनी के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। कोई नहीं गाइस मैं जाके माइकल से बात करके देखता हूँ और भी कोई कार्स है क्या गाइस यहाँ पे। नहीं माइकल से बात करके देखता हूँ गाइस, ये रहा, गुस्सा मत हो मेरे भाई, मान जा माइकल ये कार हम नहीं चोरी कर सकते भाई, क्योंकि बहनी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी है, उसके पास रिपेयर होने आई है, अगर यहाँ से चोरी हुई तो उसको बहुत दिक्कत जाएगी, गुस्सा मत हो, लुक्स मत दे, नहीं कर सकते गाइस अब। तो यार गाइस देख रहे हो वो भी अपने सर पे हाथ पीट रहे हैं, फ्रैंकलिन भी क्या करे गाइस, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस हम कुछ तो जुगाड़ कर सकते हैं। अच्छा माइकल एक जुगाड़ हो सकता है, एक कार मैं तुझे सिर्फ दिखा रहा हूँ लेकिन इसकी डिलीवरी बैनी को देना है, बैनी की जगह हम दोनों जाके दे देंगे, मेरी कार यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन कोई भी लफड़ा नहीं होगा, हम कार डिलीवरी देंगे और चुपचाप निकलेंगे, पक्का है ये। ओके गाइस तो माइकल तैयार है, वो बोल रहा है कि ऐसी कार ही देखने मिल जाए। चलो गाइस फाइनली हमें वो कार तो मिल सकती है, मैं बैनी को बता देता हूँ कि हम तेरी डिलीवरी दे देते हैं, कार तो बन चुकी है। ओके बैनी तो सीन कुछ ऐसा है भाई कि अब ठीक है हम कार चोरी नहीं कर रहे पर डिलीवरी अब हम ही देंगे, उसके लिए मना मत करना। ठीक है गाइस ने ओके बोल दिया कि डिलीवरी दे दो पर ले जाके इज्जत से मेरा डिलीवरी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो गाइस तो हम डिलीवरी देते हैं इसकी गाइस, लॉक वॉक कहाँ करेगी, गुड बाय। क्या साउंड है गाइस, इंटीरियर चेक किया जाए गाइस, ये कार नहीं है आग कार है, अब समझ में आया गाइस, ये देख रहे हो गाइस मिस्टर बीस के पास पैसों का अच्छा यूज किया गाइस, क्या कलेक्शन है गाइस के पास। चलो माइकल मेरी कार यहीं छोड़ते हैं, हम इसी को लेके चलते हैं। चल यार माइकल अब भाव मत का बैठाल के घुमा तो रहा हूँ कम से कम, चल ले गुस्सा छोड़ यार, बैठ जा कार में, चलो आ गया गाइस, गुस्सा मत हो, देख भाई ये कार में हमको घूमने तो मिल रहा है और तू देख लुक्स मत दे गुस्सा होके, ये कार में तुमको 100% गिफ्ट करूंगा, देखो कहीं से भी लाऊं, मतलब ये कार नहीं गाइस, मैं मिस्टर बीस की कार नहीं चोरी करने वाला हूँ, ये नहीं कि बस हम सबकी कार ही चोरी करते रहेंगे, मतलब इसी की तरह एक कार मैं ऐसे करूँगा। फिलहाल तो गाइस हम इसको तो कार बाद में गिफ्ट करेंगे ऐसे ढूंढ के, लेकिन अभी हमें इसकी डिलीवरी देनी है, हमारे पास डिलीवरी देके आते हैं गाइस। चलो तो हमें कहाँ जाना था गाइस, डायमंड कसीन गाइस, यहाँ से राइट मारते गाइस, हमने ये कार खराब नहीं करनी है गाइस, डिलीवरी देनी है गाइस, पर ये काफी फास्ट कार है अब तो गाइस, मुझे भी जलन हो रही है मिस्टर बीस से,
माइकल की गलती ही नहीं है, इतनी अच्छी कार देख के तो किसी को भी लगेगा कि मिल जाए गाइस, क्योंकि मेरे पास भी जो है गाइस। ओह शिट 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 गाइस, ओके 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 ओके, कार को कुछ नहीं हुआ है। एनी ने कहा था इसमें, ओ अंकल क्या कर रहे हो, एनी ने बताया था गाइस कि इसने फुल्ली आर्मर तैयार कर दिया है और एकदम स्क्रैच प्रूफ पेंट कर दिया, स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आएंगे और गाइस पीछे पीछे जाएगी, हमें ठोकना नहीं है। गाइस ने कहा था कि हाँ हमारी कार भी गाइस डॉग ट्रेजर काफी अच्छी कार है, मसल कार है, बहुत पावरफुल कार है, पर गाइस इस लैम्बोर्गिनी गलाडो की बात ही लगे। गाइस मैं फुल स्पीड में चला भी नहीं पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि रोड ही नहीं है उस लाइक की, मैं जैसी स्पीड देख रहे हो गाइस मैं बढ़ाता हूँ और वो एकदम से आग बार छोड़ने लगती है गाइस पीछे साइलेंसर से। गाइस ये कार है कि आहा कार है गाइस, ये देख रहे हो, नहीं 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 स्क्रैच नहीं आया, स्क्रैच नहीं आया, आया तो नहीं गाइस, नहीं तो रिपेयर कराना पड़ेगा। नहीं 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 फाइनली बच गई गाइस। चलो गाइस हम बहुत प्यार से इसको डिलीवरी देते हैं, हम स्पीड से चला भी नहीं पा रहे पर अब कुछ कर नहीं सकते गाइस हम। ये क्या हो रहा है गाइस, अबे अबे तू बच्चे की साइकिल कहाँ लेके जा रहा है, पागल है वो लोग, कैसे कोई चोरी करता है क्या, जा भाई अपनी कार लेके जा। भाई देख रहे हो बच्चे की कार लेके भाग रहा, साइकिल लेके भाग रहा, कार 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 ही कार, जा भाई बाय भाई बाय। देख रहे हो ऐसी कैसी चोरियां हो रही है, वो बेचारे बच्चे की साइकिल लेके भाग रहा था। अरे हमने यार देखा गाइस हमने उसको राइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो माइकल अब डिलीवरी भी देना है। और गाइस ये देखो ऐसे लोग नहीं होने चाहिए गाइस, बच्चों की साइकिल कौन चोरी करता है यार। गाइस तो फाइनली हम आ चुके हैं अपना कहाँ पे गाइस, हाँ डायमंड कैसीनो के एकदम गाइस तो पार्किंग एरिया, हमको इधर से नहीं जाना है, हमको इधर से जाना है गाइस, सामने से एंट्री देंगे यहाँ तो इतना डिलीवरी करेंगे सामने से देंगे गाइस हम। चलो थोड़ा सिग्नल फॉलो कर लेते गाइस अभी, क्योंकि हमें कार डिलीवर करनी है, अच्छे से चलते हैं। चलो गाइस तो फाइनली हम एंटर करते हैं डायमंड कैसीनो के अंदर, यहीं से चलते गाइस अब तो नहीं, थोड़ा आराम से मैं पहले पूछ लेता हूँ मिस्टर बीस का है गाइस, मिलने भी मिल जाएगा इसी बहाने उससे, लॉक वॉक नहीं दे दूसरे की कार है, पूछ लेते यहीं से कार अंदर लेके जाए क्या, और मिस्टर बीस की कार हम यहीं से ले जाए। नहीं गाइस वो बोल रहा है कि वहाँ से एकदम प्रॉपर पार्किंग करो आगे से ले जाके, या फिर यहाँ से ले जाके रिवर्स में पार्किंग करो। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ले जाऊँ कि उधर से लाऊँ, जगह कहाँ से मिलेगी गाइस, मेरे ख्याल से गाइस मेरे को आगे से पार्क करना चाहिए जहाँ से सही रास्ता है। ओके गाइस तो ये सारी कार खड़ी है मिस्टर बीस की, आराम से आराम से आराम से गाइस ये कार हम यहीं पार्क कर देते हैं इनकी, यहाँ नहीं गाइस थोड़ा अच्छे से मिस्टर बीस हो रहा है गाइस, मिस्टर बीस खड़े होकर बात कर रहा है आर्मी के कर्नल से गाइस, गाइस इतना बड़ा आदमी है वो तो सबसे मिल सकता है बात कर सकता है। पर माइकल कार ना सही मिस्टर बीस से मिलवा जरूर देता हूँ, और एक बार हम उसकी सारी कार्स का व्यू भी ले लेते गाइस, अब डोर बंद कर देना माइकल। हाँ गाइस तो ये तो कार आप देखे चुके, मैं डिलीवरी दी लैम्बोर्गिनी गलाडो, ये गाइस एक और लैम्बोर्गिनी का कोई एडिशन है गाइस। ओके गाइस काफ़ी शानदार लग रही है गाइस ये कार भी मुझे। ओके मिस्टर बीस्ट गाइस नंबर प्लेट भी मिस्टर बीस्ट। आ माइकल चल टेस्ला दिखा गाइस, देख रहे हो टेस्ला का शाइन मार रही गाइस, वाइट टेस्ला। अच्छा ये भी मिस्टर बीस्ट, ये सिक्योरिटी गार्ड इधर चमचम मत कर, हम यहाँ नॉर्मल सिर्फ डिलीवरी देने आए। हाँ मत बोल, हाँ मुंडी मत हिला गाइस, ये निशान ओ सॉरी क्या गाड़ी गाइस, मिस्टर बीस लाइफ तो इनकी सेट है गाइस, मिस्टर बीस टेस्ला निशान लैम्बोर्गिनी गलाडो। चलो गाइस तो फाइनली मिस्टर बीस को हम बोलते कि हमने आपकी कार लाए, अरे बातचीत करके डिलीवरी तो दे देते, बातचीत शायद तक हमसे कर ले। हेलो मिस्टर बीस, फिर गाइस ये गार्ड मना कर रहे बात करने, बोल रहे निकलो यहाँ से बाहर, मिस्टर बीस बात नहीं कर सकते। अब हम निकल तो जाएंगे लेकिन चला के क्या जाएंगे, कोई नहीं माइकल निकलो यहाँ से, कोई मतलब नहीं, बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पे, कोई भी झिक झिक करना अभी चल हमारे लिए बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, हम चुपचाप गाइस यहाँ से निकल जाते हैं। और गाइस कोई ना कोई कार तो हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी, और यहाँ से हम चोरी नहीं कर सकते गाइस, इनके सामने से चोरी करेंगे तो ये आप भी जानते हो मिलिट्री स्क्वाड सब कुछ है, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। कोई नहीं गाइस ये थोड़ा दूर है एरिया, ये हम कार ले सकते हैं। ए रोक दे रे भैया, ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कर, चल उतर कार से, चल चल जल्दी उतर, जल्दी 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 उतर, जल्दी उतर, निकल निकल यहाँ से, जाने दे हमको। वैसे ही माइकल का दिमाग खराब है, मत कर ज़्यादा बात, अभी गोली वोली ठोक देगा ये। चलो गाइस तो फाइनली मिस्टर बीस ने तो हमसे बात भी नहीं करी, चल कोई नहीं गाइस इतना बड़ा आदमी है। ओ ओ ओ गाइस किसको मार रहे हैं पता नहीं, हमने कुछ नहीं किया मुझे इतना पता है,
हम यहाँ से चुपचाप निकल रहे गाइस, हम नहीं ओह गाइस देख रहे हो यार, कोई नहीं मिस्टर बीस की कार नहीं खुदा दी। अबे 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 हंस रहा माइकल, मजा आएगा तुझे। वेट गाइस क्या कर रहे हैं हम गाइस, मेरा अब ये मानना है कि हम ना गाइस रॉन्ग वे में है, पर फिर भी हम माइकल को तो ड्रॉप करते हैं गाइस उसके घर। माइकल को ड्रॉप करके गाइस, और हमें ये भी जुगाड़ करना है कि माइकल गाइस देख रहे हो कार मोड़ी नहीं है, इसलिए नहीं सड़ी कारों का ना मतलब ही नहीं है। और गाइस फिर माइकल की जो जिद है गाइस, उसको लैम्बोर्गिनी चाहिए, वो भी पूरी करनी पड़ेगी। चलो गाइस करना तो पड़ेगा ही, कोई नहीं चलो चलते गाइस वापस, तो करनी ही पड़ेगी कार तो मैं लैम्बोर्गिनी कर दी, तो माइकल को भी दिलानी पड़ेगी गाइस, कोई नहीं चलो दिला देते गाइस उसको भी कार, कहीं ना कहीं से हमें जुगाड़ करना पड़ेगा इसके लिए। चलो गाइस तो माइकल में ड्रॉप करते हैं। ओ शिट, मेरे ख्याल से गाइस माइकल का घर पीछे साइड शो कर रहा है, हम गलत जगह से आ गए, क्या ये ब्रिज से पहुँचेंगे कि हाँ पहुँच जाएंगे। चलो गाइस माइकल को ड्रॉप करते गाइस फटाफट, वैसे ही उसका दिमाग खराब है, हम अभी उसे नहीं बताएंगे, और गाइस हम गारंटेड उसे देंगे यही लैम्बोर्गिनी गलाडो, यही नहीं मतलब इसकी जैसी सेम कार हम उसको खरीद के या कहीं और से चोरी करके देंगे गाइस, पर मिस्टर बीस्ट की नहीं भाई, मिस्टर बीस्ट की कार चोरी करना कोई मामूली बात थोड़ी है। चलो गाइस कहीं ना कहीं तो मिली जाएगी, यहाँ पे और भी रईस रहते हैं, मिल जाएगी कार। चलो माइकल को ड्रॉप करते गाइस, इसका दिमाग खराब है, ज़्यादा देर नहीं कमाते अपने साथ, पता नहीं हमसे गुस्सा उस्ता हो जाए या हमसे मारपीट करने लगे तो ओए शिट और दिक्कत हो जाएगी। तो ड्रॉप करते गाइस और उसके बाद देखते हैं जुगाड़ करते हैं कार वार का। चलो गाइस तो हम माइकल के घर के काफ़ी पास आ गए, ड्रॉप कर देते हैं माइकल को, कोई मतलब नहीं है गाइस ज़बरदस्ती में, ये गुस्सा उस्ता हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसको घर ड्रॉप करके गाइस हमको तो निकलना पड़ेगा आर्डन पास, इसके लिए कार जुगाड़ करने गाइस। देख रहे हो इसके सारे फैमिली वाले भी जा चुके हैं भाई, अब आप भी जा सकते हैं, अब हमें जाने दीजिए, हम आपके लिए ढूंढेंगे कहीं ना कहीं से कार, अभी नहीं बताते गाइस इसको, इसके लिए सरप्राइज देंगे इसके लिए वो कार लाके हम इसको उसी के जैसी। चल यार जा भाई माइकल, सॉरी यार। ओके गाइस तो माइकल कार से उतर के जा रहा है, काफ़ी नाराज़ है गाइस आप देख सकते हो, फुल गुस्से में जा रहा है वो गाइस, हमारा ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो गुस्सा बहुत ख़राब है गाइस। और गाइस हमने अपनी कार भी गाइस बेनिस के वहाँ पर छोड़ दी थी, हमारे डॉग चार्जर गाइस ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लॉक करके छोड़िए उसको भी हमें उठाना है वापस। चलो गाइस हम फटाफट हाड़े फर्स्ट पहुँचते बैनी के यहाँ और अपने डॉग चार्जर को लेते गाइस, फिर देखते हैं कि अब आगे करना क्या है। ओके गाइस जैसे कि हम बैनिस के शिप यार बैनिस के शोरूम के काफ़ी पास आ चुके हैं, बैनिस शोरूम से गाइस अपनी गाड़ी तो गाइस एक ये गाड़ी बहुत सड़ी लग रही, मैं चला नहीं सकता, अपनी हम अच्छी वाली कार लेके निकलते गाइस, वहीं पर खड़ी है लॉक उसको लेते और फिर निकलते गाइस। कहाँ से तो बैनी का एरिया ये रहा गाइस, हाँ खैर मैप्स में अपनी कार तो दिख ही रही है गाइस कहाँ खड़ी है, यही एक फ़ायदा है गाइस जो मैंने एक स्पेशल की लस्टर बैनी से मिलकर जो मैंने की बनवाई थी ना लॉक वाली, मैं जीपीएस वगैरह भी, तो अपन कहीं पे भी अपनी कार घूम सकते हैं। ये देखो गाइस हमने जहाँ छोड़ी थी हमारी कार वहीं है, इसको भी लॉक कर सकते हैं, वो हर कार में काम करता है गाइस लॉक, किसी की भी कार हम लॉक कर सकते हैं, पर हमें करना नहीं है गाइस, हम पटाक से अपनी कार को अनलॉक करते हैं ओके, और अपनी कार को लेकर निकलते हैं गाइस। चलो गाइस तो अब हमें जुगाड़ क्या करना है गाइस, माइकल के लिए कार का ओके, तो ये हमें कार कहाँ मिलेगी ये तो सिर्फ हमें बैनी ही बता सकता है गाइस, मेरे ख्याल से हमें बैनी से ही पूछना चाहिए, बैनी हो सकता है अभी भी गैराज में ही हो गाइस, बैनी गैराज में नहीं है गाइस, शिट कहाँ गया गाइस बैनी, लॉक करो पहले तो, बैनी को भी भरोसा नहीं, अभी चोर है हमारी तरह, गाइस बैनी तो यहीं कहीं होना चाहिए, दिख नहीं रहा, तो गाइस बैनी नीचे तो नहीं है गाइस, यहाँ तो नहीं है, शिट यहाँ नहीं है गाइस बैनी, बैनी का गाइस गैराज भी काफ़ी शानदार है गाइस, इधर पे काम वाम कर रहे के गाइस बैनी, नहीं यार गाइस यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, गाड़ी आड़ी यहाँ पे तो नहीं है अंदर, दो बोरा नहीं गाइस रिपेंट भी नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, वो रहा गाइस बैनी ऊपर, मिल गया बैनी, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूँ ये जितने भी लग्जरियस कार है वीआईपी कार से एकदम महंगी कार से, बैनी को जरूर पता रहता है कि किसके पास है सिटीज़ में, क्योंकि गाइस उनकी रिपेयरिंग और मॉडिफिकेशन सिर्फ बैनी को पसंद पता है गाइस कैसे करना है, और उसे बहुत पसंद है और सिर्फ वही कर सकते हैं, तो गाइस हम बैनी से ही पूछते हैं, बैनी भाई बता दे लैम्बोर्गिनी गलाडो और किसके पास है शहर में जो इसको हम चुरा के या खरीद के माइकल को दे सके, बहुत बुरा मान चुका गाइस। ओके गाइस तो जैसे कि बैनी ने मुझे बता चुका है ये कार किसके पास है लैम्बोर्गिनी गलाडो, तो अब हम निकलते हैं गाइस और माइकल के लिए वही कार हम ढूंढने के लिए जाते हैं गाइस। लेकिन गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, जो भी हमें अगली कार चुनानी है लैम्बोर्गिनी गलाडो माइकल के लिए वो गाइस अगले वीडियो में। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके गाइस उतना शेयर करिए, तब तक के लिए बाय बाय।